देश के अमूल्य रत्न, आधुनिक भारत के शिल्पकार सरदार पटेल जैसे महामानव का जीवन मात्र इतिहास के पन्नों तक सीमित रह जाए, ये हमें स्वीकार नहीं। चाणक्य के बाद हिंदुस्तान की धरती पर इतना महान काम, इसलिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व का सबसे ऊंचा स्मारक बनाना चाहते हैं। उनका जीवन और उनकी देशभक्ति हम सब के लिए देश सेवा और निरंतर आगे बढ़ने का प्रेरणा स्रोत है। उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप एक ऐसे स्मारक का निर्माण हो जो आधुनिक, अलौकिक, भव्य और अपने आप में ही एक अजूबा हो, जो न तो सिर्फ देश की आजादी के आंदोलन की बल्कि अखंड भारत के शिल्पी की गाथा सुनाए। ये एक मिसाल स्वरूप हो जो भारतवासियों की एकमतता दर्शाए, भारत के लौह पुरुष के लिए उन्हीं के देशवासियों की एक अनूठी पहल। प्रस्तुत है दुनिया की सबसे ऊंची, अतुल्य, गौरवशाली एकता की प्रतिमा, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। देश को सही मायने में एकता से श्रेष्ठता की ओर मार्गदर्शित करने के उद्देश्य से बनाया जाने वाला यह स्मारक 182 मीटर ऊंचा, न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगुना, रियो द जानेरो के क्राइस्ट रिडीमर से 5 गुना, सरदार सरोवर बांध से 1.5 गुना और एक 60 मंजिला इमारत के बराबर होगा। मूर्ति सरदार साहब की होगी, लेकिन हम सब उसके भीतर अपने आप को देखेंगे। आप देख रहे हैं, इधर मूर्ति बनेगी उधर एकता मजबूत होती चली जाएगी, हमारी एकता की ताकत बढ़ती चली जाएगी। और जब भी सरदार साहब की प्रतिमा की बात आएगी, हमेशा हमेशा के लिए एकता का मंत्र भूलिएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसा अद्भुत इंजीनियरिंग अजूबा पहले कभी नहीं बनाया गया। ये भारत का गौरव होगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता और श्रेष्ठता का प्रतीक बनेगा। ये लोहे से बनाया जाएगा, मूर्ति ऐसी बनेगी जो सदियों तक सलामत रहेगी। इसका विकास लगभग 20,000 स्क्वायर मीटर एरिया में होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच सरदार सरोवर बांध से लगभग 3 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी की गोद में साधु बेट पर स्थापित किया जाएगा। इस स्थान पर पहुंचने के लिए एक कनेक्टिंग ब्रिज भी बनाया जाएगा। विश्व के सबसे बड़े बांध में से एक के सामने खड़ा यह स्मारक सरदार की अद्वितीय इच्छा शक्ति को दर्शाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर 400 फीट की ऊंचाई पर एक व्यूइंग गैलरी बनाई जाएगी, जहां से दर्शक सरदार सरोवर बांध और उसके आसपास के आकर्षक दृश्यों का नजारा देख सकेंगे। 9,850 स्क्वायर मीटर का पोडियम बनेगा, जिसमें होंगे विजिटर एक्सपीरियंस और मेमोरियल गार्डन। इस पोडियम की क्षमता लगभग प्रतिदिन 15,000 दर्शकों की होगी और लगभग 3,000 लोग प्रतिदिन ऑब्जर्वेशन लेवल पे जा सकेंगे। साथ साथ म्यूजियम और रिसर्च सेंटर जैसे अनेक आकर्षणों का निर्माण किया जाएगा। भारतवासियों के योगदान से बनने वाली इस अद्वितीय एकता की प्रतिमा की स्थापना 30 अक्टूबर को माननीय श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी और श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा सरदार के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हुई है।